अरे आप ये क्या कर रही हैं? अजी पैर तो मैंने आपके छूने चाहिए क्योंकि आपने हमसे शादी के लिए हाँ कर दी। ये आप क्या कह रहे हैं? अजी आपके लिए हमारे दिल में तो उसी दिन इज्जत बढ़ गई जिस दिन आपने अपने बाप की इज्जत बचाने के लिए इतना बड़ा त्याग कर दिया। जो लड़की ये कर सकती है वो अपने पति के लिए कितना कर सकती है। धन्य हो देवी, धन्य हो। मुझे देवी कह के शर्मिंदा मत कीजिए, मैं तो दासी हूँ। पति की सेवा करना तो औरत का धर्म है। धर्म तो मेरा है जी, आज तो मैंने आपकी सेवा करनी है। शर्म आ रही है। शर्म? अजी जो करे शर्म उसके फूटे करम। अब जरा पैरों पर करो। सबका सब बह जाता है। मिस्टर आरके जेठा, तुम्हें अपनी दौलत पे बहुत घमंड है और मुझे अपनी बहनों के लिए जिंदगी की खुशियां खरीदनी है, इसीलिए आज मैं तुम जैसे अय्याश के बाजार में अपनी इज्जत के अनमोल रत्नों का खजाना नीलाम। और मुझे उम्मीद है तुम बढ़ चढ़ के बोली लगाओगे। अरे जाने मन तुम तो दिखाओ, बोली हम ऑटोमेटिकली लगाते जाएंगे। अरे जाने मन, मैं तो चाहता हूं कि तुम नाइट के साथ साथ डे ड्यूटी भी किया करो। ओके सेठ जी। आशा बेटी, भगवान तुम्हारे सेठ जी का भला करे जिन्होंने तुम्हें इतनी अच्छी नौकरी दी। तुम्हारे सेठ की कंपनी का नाम क्या है? जी जी, वो पन्नालाल एंड कंपनी। कुछ भी कहो आशा, तुम्हारी जो कंपनी का मालिक है वो एक इंसान के रूप में देवता है। भाई देवता करिश्मा ये है कि उसने मेरा जेठा मल का लाख रुपए का लफड़ा खत्म करके मुझे जेल जाने से बचा दिया और अब मैं आज ही की बजाय पूरी सिगरेट पीता हूं। लेकिन आप यहाँ क्या बात है? आप बहुत परेशान नजर आ रही हैं। क्या बताऊं चक्कू, मेरे पूरे बदन में कुछ दर्द सा हो रहा है। जरा दबा दो ना। मालकिन, मैं सेठ जी का बदन दबाता हूँ उनके पूरे शरीर का दर्द निकल जाता है। मैं आपका भी बदन दबा देता हूं। आप लेट जाइए, लेट जाइए, लेट जाइए।
सचमुच इतना दर्द हो रहा हो? चल जग्गू, उसकी तकलीफ दूर कर दे और साथ में अपनी भी। चल। मालकिन, एक मिनट, आइए ना। क्या बात है? कुछ नहीं मालकिन, मैं वैसे ही रात को उठा था पानी वानी पीने के लिए, तो खिड़की में से देखा कि आप जाग रही हैं, तो सोचा कि पूछूं कि बात क्या है। वैसे मालकिन, इतनी रात हो गई है, लाला जी भी सो चुके हैं और आप अभी तक जाग रही हैं। खैर, कोई बात नहीं मालकिन, लाला जी सो रहे हैं तो उनको सोने दो। अच्छा हुआ आप आ गए, वरना ये कमीना तो। लाला जी लाला इन जबरदस्ती हमारे कमरे में आ गई और हमसे बाप करवाना चाहती थी लाला जी, मगर हमने साफ इनकार कर दिया। हमने आपका नमक खाया हुजूर, नमक खाया लाला जी। ये कमीना झूठ बोल रहा है। नहीं, मेरा कोई दोष नहीं, मैं निर्दोष हूँ। अरे पैर की जूती ने उठा करके सर पे राख लियो तो, अरे एक वैश्या भी होगा ना, अरे वो भी सती सावित्री को नाटक नहीं करे। अरे तू तो कल मुई है, निकल मारे घरों।